ओपन फील्ड प्रॉपर्टी की तहकीकात, शरीफ खानदान का दूसरी मरतबा फिर नैब में पेश न होने का फैसला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मरियम हसन हुसैन और कैप्टन रिटायर्ड सफदराज भी तलब। शरीफ खानदान के पांचों अफराद को 18 अगस्त को नैब ने नोटिस जारी किए। नैब शरीफ खानदान को दो रोज पहले भी तलब किया गया था। नवाज शरीफ के अकाउंट्स की तफसीलात, गैर मुल्की बैंकों से राबते का फैसला। नवाज शरीफ ने अकामा गैर मुल्की अकाउंट्स खोलने और रकम मुंतकली के लिए हासिल किया। स्विस और दीगर बैंकों से अरबों रुपये मुंतकिल किए गए। गैर मुल्की अकाउंट्स के हवाले से जल्द बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू होंगी। रोजनामा 92 न्यूज में इंकशाफ पर मबनी रिपोर्ट शामिल। परवेज रशीद के इल्जाम तनकीद की निश्तर जनी, चौधरी निसार ने भी जवाब देने की ठान ली। साबिक वज़ीरे दाखला का शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान। वज़ीरे आज़म की ना अहली के बाद की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। नवाज शरीफ की मामले पर रफका से मुशावरत, निसार को मनाने के लिए शहबाज का फौज। हुकूमती ना अहली, कर्ज पर कर्ज की पॉलिसी। पाकिस्तान में मेट्रो बस मंसूबे में भी करप्शन। मारूफ तज्जियाकार फरूख सलीम कहते हैं कि चीन ने भी इस मामले पर तहकीकात करना शुरू कर दी है। मेट्रो बस के पैसे कैसे लीक हुए, तहकीकात जारी है। तज्जियाकार शहबाज राणा का कहना है कि पाकिस्तान का ज़र मुबादला बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। 92 न्यूज के प्रोग्राम इकोनॉमी राउंडअप में इंकशाफ। राजनपुर में रोझान के कच्चे के इलाके में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला, 7 अहलकारों को असलहा समेत अगवा कर लिया। अगवा होने वालों में एक ASI भी शामिल। पंजाब के सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले का एंट्री टेस्ट। लाहौर में 13 इम्तिहानी सेंटर्स कायम। इम्तिहानी सेंटर्स पर दफा 144 नाफिज। गैर मुतल्लिक अफराद के दाखिले पर भी पाबंदी आए। नौशेरो फिरोज में कौमी शहरा पर ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर मिट्टी का तेल मौजूद। टैंकर कराची से पंजाब जा रहा था। हिफाजती इकदाम के तहत इलाका सील कर दिया गया। कराची में हॉक्स बे सनपैट के करीब गुज़िश्ता रोज डूबने वाले दो नौजवानों में से एक की लाश निकाल ली गई। अस्पताल मुंतकिल, दूसरे नौजवान की तलाश के लिए सरगर्मियाँ जारी हैं। कराची में सुपर हाईवे जंजाल गोट पर लूट मार करने वाले डाकुओं का पुलिस से आमना सामना हो गया। जवाबी फायरिंग में तीनों डकैत हलाक। असलहा और मसरू का माल भी बरामद। औरंगी जमान टाउन में भी स्ट्रीट क्राइम का मुलजिम मुकाबले में हलाक, साथी फरार। जनूबी पंजाब में पंचायत के हुक्म पर जुल्मो बर्बरियत का एक और फैसला। मुजफ्फरगढ़ में पंचायत का पसंद की शादी करने पर लड़के की भांजी को वनी करने का हुक्म। पंचायत का फैसला ना मानने पर चाय फरोश के खानदान को इलाका बदर करने का भी हुक्म सुना दिया गया। पाकिस्तान के बहादुर सुपूत राशिद मिन्हास का 46वां यौम शहादत। पाक फजाया के पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास ने मुल्क का दिफा करते हुए कमाल जुर्रत का मुजाहरा किया और शहादत का रुतबा पाया। अजीम कुर्बानी के बायस उन्हें निशान हैदर अता किया गया। और ऑस्ट्रेलिया शहर मेलबर्न में मस्जिद को आग लगाने के इल्जाम में 3 अफराद पर फर्द जुर्माइन। पुलिस के मुताबिक दाइश से ताल्लुक रखने वाले मुलजिमों का मकसद मुसलमान कम्युनिटी को तकसीम करना था। जुर्म साबित होने पर तीनों मुलजिमान को उम्र कैद की सजा का इम्कान।